नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी एस अक्षय। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, मैसेज किया, कॉल किया। सर, ये ECIPL जो पुराने टाइम पे EBCL हुआ करता था, तो ये ECIPL इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा टिप्स बताइए। मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ जिसकी बेसिस पे आपको एग्जम्पशन कन्फर्म है, कन्फर्म मतलब कन्फर्म। मैं बहुत सारे बच्चों को एग्जम्पशन मिला लास्ट बैच में, तो मैं आपको इसलिए गाइडेंस दे रहा हूँ। तो कुछ मैं आपको टेक्निक्स बताता हूँ इसमें एग्जम्पशन कैसे लेते। तो सबसे पहले फर्स्ट बच्चों आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है पार्ट बी पे। पार्ट बी पे क्यों फोकस करना है, वो 40 मार्क का, और उसमें कितने चैप्टर से 5, एक चैप्टर कितने मार्क का है 8 मार्क। अब तो देखिए 40 मार्क आपके यहाँ पे कन्फर्म। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि IPL बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट वर्ड है, बहुत डिफिकल्ट सेंटेंस है, तो मैंने उसके लिए बहुत अच्छी नोट्स बनाई जो आप वेफर है, मैं आपको शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको वो नोट्स दे दूँगा। इसमें क्या है बच्चों, मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये पाँचों चैप्टर में एक चीज़ कॉमन है बच्चों, वो है इन्वेंशन। जहाँ पे नया इन्वेंशन है उसी के नाम पे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, चाहे वो कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, चाहे आपका पेटेंट हो। इसमें नई चीज़ है, कोई इनोवेशन है, तभी आपके नाम पर रजिस्टर होगा। ये हमेशा दिमाग में फिक्स कर लीजिए, और इसी के बेसिस पे केस हुआ। दूसरा पॉइंट बच्चा रखना, आपका जो भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जो होगा ना, वो कभी भी रखना पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये कभी भी किसी के रिलीजियस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। चौथा, ये कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए मार्केट में। ये पॉइंट को कंसिडर किया ना आपने, तो आपका पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सब रजिस्टर हो। इतना सिंपल है वो, बट इसमें टर्म्स थोड़ी सी डिफिकल्ट है जो आपके मेरे नोट्स में बहुत ईजी मिलेंगे। तो आगे बात करते हैं बच्चों की एग्जाम में कैसे पूछते हैं। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर रजिस्टर्ड नहीं होती है, एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रेडमार्क बनाया, वो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, बट मैं उसको यूज़ करता हूँ, किसी और ने अगर यूज़ किया तो सर क्या होगा? तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, सिर्फ कंपनसेशन, तो उसे पासिंग ऑफ कहा जाता है। बट अगर आपके नाम पर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट रजिस्टर्ड है, अगर कोई दूसरा यूज़ करता है, अगर विदाउट परमिशन यूज़ करता है, तो उसे इन्फ्रिंजमेंट कहा जाता है। उस केस में आप केस फाइल करें। इतना ईजी है। पासिंग ऑफ क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। इतना ईजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, क्वेश्चन आता है कंपल्सरी लाइसेंस क्या होता है। जब भी एग्जाम्पल ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आपके नाम पर रजिस्टर होता है, या कोई आपसे मांगता है कि मुझे राइट दीजिए प्रोड्यूस करने के लिए, कॉपी बनाने के लिए, आप नहीं देते हो, कोई इमरजेंसी पर्पज हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो सकता है, तो उस केस में वो बंदा गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकता है कि मुझे चाहिए। तो गवर्नमेंट मुझे अप्रोच करेगी, इसको दीजिए, आपका रीजन बताए क्यों नहीं देना चाहते। अगर जस्टिफिएबल है तो ठीक है, नहीं तो आपको कंपल्सरी उसको देना पड़ेगा, उस केस में आपको वारंटी मिलेगा। ये कैसे होता है, जैसे एग्जाम्पल कोरोना के टाइम पे मैंने कोई वैक्सीन बनाई जिससे लोगों की जान बच सकती, तो मैंने बनाई बट मैं किसी को नहीं देगा, तो इस केस में गवर्नमेंट मुझे अप्रोच करके वो मेरे पास कंपल्सरी ले सकता है, मुझे वारंटी मिले सकती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, कुछ टिप्स है जो आप इस चैप्टर में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते। आप मेरे लेक्चर्स भी देखिए जो मेरे यूट्यूब पर डाले हुए हैं, प्लस इसके मैंने नोट्स बनाई है बहुत अच्छे से डिटेल में, विद फोटो के साथ बनाई है, बहुत अच्छी नोट डिटेल एग्जाम्पल के साथ बनाई है, जो एग्जाम के लिए आपको बहुत। अब आते हैं बच्चों पार्ट के। अब यहाँ पे आपके 40 मार्क कन्फर्म हुए, पार्ट ए आता है 60 मार्क। 60 मार्क में सबसे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है फीमा, जो होता है ना, बच्चे बहुत डिफिकल्ट फेस कर रहे हैं सर फीमा, ये सब कुछ FDI, ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर, बट ऐसा नहीं है। बट मैं आपको कहूँगा कि आपको स्टार्ट करना है अगर पार्ट ए 60 मार्क में से, तो कैसे कैसे 5-5 मार्क को ऐड करना है। सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है जो बच्चों आपको 5 मार्क दे सकता है, वो है आपका ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग। बहुत ईजी है एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग, मतलब बाहर से लोन लेने का। तो इसमें क्या होगा, बाहर से कौन लोन ले सकता है, वो इंडियन कंपनीज कौन सी, वो किससे लोन ले सकता है, वो कौन है, कितना अमाउंट ले सकता है, इसको यूज कर सकता है, एंड उसका कंप्लायंस क्या होगा। इतना ही है 5 पॉइंट चैप्टर, तो 5 मार्क क्वेश्चन कन्फर्म आता है, तो आपके हो गए 45 मार्क। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पे, जो बात करता है कॉम्पिटिशन, ईजी चैप्टर, 10 से 15 मार्क आता है न्यू सिलेबस में। ओल्ड सिलेबस में तो 20 मार्क आता है, बट न्यू सिलेबस में 10 मार्क का तो आता ही आता है, केसी तो आती है उसमें। कंपटीशन में क्या होता है, ईजी है, कोई लोग ग्रुप बनाते हैं, उसे कार्टर कहा जाता है, कोई तो ग्रुप बना के प्राइस को कंट्रोल करना चाहते हो, डोमिनेंस करना चाहते हो, उसका तो अफेक्ट होता है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बनाना चाहते हो, जैसे आपको फ्रिज के साथ उसका टीवी भी लेना पड़ेगा, जैसे आपको टीवी के साथ रिमोट कंपल्सरी लेना पड़ेगा, ऐसे कोई एंड जो टाइन अरेंजमेंट होती है या एग्रीमेंट बनाए जाते हैं वो आपके अगेंस्ट है, कस्टमर के अगेंस्ट है, तो ये ऐसे एनफोर्स नहीं किए जा सकते। ये बहुत ईजी बच्चों, इसमें से ये याद रखना कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ मार्केट। तो ये 10 मार्क का आएगा आपको, आप सोचिए 45 + 10 कितना होगा, 55 मार्क्स आपके यहीं पे कन्फर्म। नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ईजी बच्चों को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन का 5 मार्क के केस हुआ तो कन्फर्म ही बनती है बच्चों, आप सोचिए 5 मार्क आपका होगा 60 मार्क। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या पढ़ना है बच्चों, कंज्यूमर को होता है भाई, जो खुद के लिए गुड्स यूज किए उसे कंज्यूमर कहा जाएगा, जो खुद के लिए नहीं यूज करता किसी और को देता है उसे कमर्शियल बेसिस पर कहा जाएगा, वो पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है, इसी को तो कंज्यूमर कहते हैं भाई साहब, और इसी के बेसिस पर कैसे आएगी।
किसी ने ट्रैक्टर परचेस किया था, वो खुद यूज करता है, कभी कभी किसी और को देता है, तो उस केस में कंज्यूमर है कि नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ चिल्ला चिल्ला के क्या हूँ, मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए मैक्सिमम केसेस रिपीट 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 हुए हैं, इंस्टीट्यूट कोई नई चीज़ नहीं करना चाहता। कितने हो गए 5 मार्क आपके? 60 मार्क हो गए। आते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो बहुत ईजी लीगल मेट्रोलॉजी के, जो 5 मार्क का क्वेश्चन बहुत ईजी लीगल मेट्रोलॉजी, जो वेट होते हैं स्टैंडर्ड्स वेट्स वो कैसे होने चाहिए, कितना वेट का क्या होना चाहिए, अगर मास है तो किलो में होता है, ये सिंपल सी चीज़ है, टाइम है तो सेकेंड में होता है, ये आप उसका रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ता है 5 मार्क। मैंने इसकी बहुत अच्छी ना चार्ट बुक बनाई है, 150 पेजेस की होगी, बहुत अच्छी, आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, गारंटी आपको एग्जामिनेशन। फिर नेक्स्ट चैप्टर के बताते हैं बच्चों SEZ, SEZ एक्सपोर्ट बनाने के लिए बनाया गया, SEZ उस एरिया से जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होती है उसे एक्सपोर्ट माना जाता है, याद रखना अगर इंडिया से कोई उस SEZ में, क्योंकि SEZ तो इंडिया में ही होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे SEZ बनाया जाता है और वहाँ से सीधा एक्सपोर्ट किया जाता है, वो एरिया क्यों बनाया जाता है, क्यों सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए, तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो SEZ पुणे में बनाया और उस एरिया को SEZ नाम दिया कि यहाँ से सिर्फ एक्सपोर्ट होगा, तो अगर कोई इंसान मुंबई से पुणे में एक्सपोर्ट करता है SEZ में तो उसे क्या कहा जाएगा, डीम टू बी एक्सपोर्ट माना जाए, याद रखना इतना ईजी, डीम टू बी एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन SEZ कैसे बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन लेती है, उसके लिए कंप्लायंस क्या है, इतना तो ईजी है बच्चों। अगर आपके 65 मार्क्स, क्यों इतना डरते हो बच्चों, आपको तो एग्जामिशन भी आ गया, और 5 मार्क की मैं और बात करूँ तो बहुत ईजी जो चैप्टर आपके एग्जाम में आता है वो मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कैसे करना, उसके 3 स्टेप है, ईजी बच्चों, उसमें क्या है, वो एग्जाम में वही पूछ जाते हैं उसकी पेनल्टी क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, और इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, 2-3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसका पढ़ लो, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो क्या करता है, 5-6 ऑर्गेनाइजेशन का मैंने कंबाइन करके चार्ट बुक बनाया है जिसमें पूरा डिटेल में बताया कि इन चारों का कैसे कॉमन पॉइंट्स है, ये पॉलिसी बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, पनिशमेंट करते हैं, ये बहुत ईजी बनाया मैंने चारों को मिलकर कंबाइन, क्योंकि ये क्वेश्चन तो उसी की बेसिस बात है, FATF क्या होता है, यूरोपियन कमीशन क्या होता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क पर 7 मार्क, और एक 5 मार्क मैं आपको चैप्टर बताता हूँ बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी कौन होता है, बेनामी मतलब क्या, मैं ही प्रॉपर्टी लेता हूँ बट मेरे नाम पे नहीं लेता किसी और के नाम पे, क्योंकि मेरा नाम दिख जाएगा कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं होती किसी और की बट पैसा मैं देता हूँ, तो जिसके नाम पे मैंने लिया वो बेनामी है, मैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बस इतना ही तो है इसमें, बेनामी कौन होता है कौन नहीं होता है उस केस में एक्सेप्शन पूछे जाएंगे, क्योंकि हिंदू जो होता है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, करता मैनेज करता है फैमिली के लिए, तो वो करता को बेनामी नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो फैमिली के लिए करता है, ऐसे कुछ एक्सेप्शन जो आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, और बहुत ईजी क्वेश्चन है 5 का तो कन्फर्म ही आता है बच्चों, तो कितने हो गए, तो पहले इजी इजी टॉपिक पे जाने का तुम लोग क्या करते हो, पहले FTP पे आते हो, FEMA पे आते हो और बोलते हो कितना डिफिकल्ट नहीं जमगा, और एक 5 मार्क का चैप्टर के बेसिस पे आपको ECI बिल्कुल गिव अप कर देते हो कि मेरे से नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा भाई साहब, जीवन में सब चीज़ अपने को नहीं आती है, 5 मार्क्स छोड़ दो 95 तो आपको आएंगे, तो और 5 मार्क्स छोड़ दो 90 में से आपको 70 मार्क्स तो आएंगे, 60 तो आएंगे भाई साहब, हर चीज़ आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं है मुझे मैथ्स नहीं आता, उसके बाद भी आज मेरे पास MBA CS LLB BBA सब कुछ 8 डिग्रीज है मेरे पास, तो भाई साहब कभी कुछ जिंदगी में कुछ चीज़ नहीं आई तो छोड़ दीजिए ना, 5-10 मार्क्स से कहा ही फर्क पड़ने वाला, आपको थोड़ी 100 मार्क्स लाना है, ये एग्जाम से क्वालिफाई करने की होती है, आपने कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, एक्सपर्ट तब बनेंगे जब CS बनने के बाद इसमें प्रैक्टिस करेंगे भाई साहब, ये पढ़ने से एक्सपर्ट कोई नहीं बनेगा, बुकिश नॉलेज में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये एग्जाम में आपको जो प्रैक्टिकल लाइफ आप जियोगे ना तो ये बेसिस पे कोई नहीं पूछेगा कि ये थ्योरी में क्या लिखा है, आपको पूछेंगे प्रैक्टिकल क्या है, अगर मुझे बताओ पुलिस ने अगर पकड़ा वहाँ पर लिखा है 500 रुपये फाइन, ये सबको पता है, ये थ्योरी सबको पता है, बट थ्योरी जान के कोई फायदा नहीं है, मैं उसको जाके 200 रुपये में कैसे सेटल करता हूँ, वो प्रैक्टिकल नॉलेज है भाई साहब, वो आपके पास होना चाहिए, वो काम करने से ही आएगा, इसलिए ये एग्जाम अपने को सिर्फ क्वालिफाई करना है, एक्सपर्ट नहीं बनने दिमाग में ठुस ठुस के भर, कितने हो गए 70 मार्क, आगे दे नेक्स्ट चैप्टर के, और जो नेक्स्ट चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत छोटा सा चैप्टर जिसकी आपको बहुत अच्छा सकता है, फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 5 मार्क का चैप्टर, कि कोई फॉरेनर इंडिया में आके किसको डोनेशन दे सकता है, सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी को, बस खत्म, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, कोई नहीं, कितना दे सकता है, कौन सा कंप्लायंस करना है, अगर किया तो उसका लाइसेंस कैसे कैंसिल होता है, सस्पेंशन क्या होता है, बस यही तो है, एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन, भाई साहब सस्पेंशन टेम्पररी होता है, कैंसिलेशन आपका पूरा लाइसेंस ही कैंसिल किया जाता है, सस्पेंशन पे होल्ड पे होता है, जैसे मेरा एक लाइसेंस है मेरे नाम पे उसको कैंसिल किया, मतलब अभी उसको नया निकलना पड़ेगा, सस्पेंड मतलब थोड़े देर के होल्ड करना पड़ेगा, वापस वही मिलेगा, इतना तो ऐसे है 5 मार्क, देखिए आप 75-80 मार्क्स मैंने आपको यही पे बता दिए, अब लास्ट में बचता है आपको, और एक क्वेश्चन आता है RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, टाइम पास क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, उसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, उसको स्टेबिलाइज करता है, तो कैसे करता है, रेपो रेट,
हेड्रो लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ये तीन चार ऑप्शन है। ये पांचवा का क्वेश्चन पूछता है मॉनिटरी स्टेबल कैसे, आगे के क्वेश्चन आता ही फर्स्ट क्वेश्चन पे ही, कितने हो गए 80 मार्क्स आपके, तो यहाँ पे ही हो गए। आप बोलोगे सर मुझे एफ डी आई नहीं आता, मैं एफ डी आई तो आया भी नहीं अभी तक। अब भाई साहब आप देखिए, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको एग्जाम में आएगा तो मैं कहना चाहता हूँ जो आपको करना ही चाहिए, रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट रेगा, पांच मार्क का चैप्टर बच्चों। रेगा में क्या होता है ना, कोई भी बिल्डर अगर फ्लैट देता है तो 5 साल की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फ्लैट में कुछ भी हो जाए तो बिल्डर को देना पड़ेगा 5 साल तक, उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो कितना अगर कोई स्ट्रक्चर चेंज करना है तो आपको अगेन जो फ्लैट ओनर से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो उनको रिफंड करना पड़ेगा। कितना पैसा रिफंड करना पड़ेगा, कितना अमाउंट मिलता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है, यही तो 5 मार्क का क्वेश्चन। आप फ्लैट लेना चाहते हो ऐसा सोचिए और वो कंपल इमेजिनेशन कीजिए, इतना ईजी तो है। दिमाग में थोड़ा सा फिक्स कीजिए, ये सीएस फील्ड में ना लोगों ने आपको सिर्फ ऐसा भगा के रखा है, नहीं मेरे पास आ जाओ तुमको मैं बहुत डिफिकल्ट है हम तुमको अच्छा बना के देंगे, कुछ नहीं है भाई, से दिमाग का खेल है। मैं पहले ही बताऊँ आपको, मेरे जैसा बंदा अगर 50% वाला 12th में अगर ये सब कुछ कर सकता है सीएस बीएस, तुम लोगों के पास तो कितने परसेंटेज है, आप कब कब कर सकते हो। ये लोगों ने डरा के रखा एग्जाम डिफिकल्ट होती है, एग्जाम डिफिकल्ट होती है, इस सब मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने चार्ट बुक और अच्छे से प्लानिंग करके मैंने जैसे बताया वैसे करके जाना, आप फेल नहीं होंगे। मुझे एग्जाम शीट की वजह से नहीं आए 60 70 मार्क्स, मुझे 76 मार्क्स है, मेरा अप्रोच बहुत अच्छा था, मेरा जो स्टडी था वो बहुत अच्छा था, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उतने पॉइंट्स बनाने के उतना ही पढ़ के लाने का, मैं हमेशा 80-90% पढ़ के जाता था, 100% एग्जाम में देता था। आप लोग क्या कहते हो 100% करके जाते हो 60% हक के आते हो, क्या फायदा ऐसा हकने का। ये दिमाग में ठुस ठुस के बोल दो आज के बाद की मुझे फर्स्ट लास्ट टर्म देना, मुझे क्लियर ही करना है बस, मुझे किसी का नहीं सुनना है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, मत सोचो डिफिकल्ट है, जो भी कहता वो इंसान कहता कोई भगवान नहीं है। जब लोगों को आपको और कोई सब्जेक्ट अगर अच्छा लगता है जो आपको लगता है सर से आप डिस्कस करना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी आप बताएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए, मैं आपको आगे का वीडियो उस टॉपिक के बारे में उस चैप्टर या उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा जो आपको बहुत डिफिकल्टी लगता है। ठीक है बच्चों, जस्ट कमेंट बॉक्स में कीजिए, नेक्स्ट वीडियो वही बनाएंगे उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉ का कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको डिफिकल्ट लगता है। और मैं मंडे से डेली बेसिस पे 1 घंटे का एक एक चैप्टर अगर आपको चाहिए तो मैं एक एक चैप्टर का एक एक घंटे का एक एक चैप्टर मैं आपको दूंगा फॉर मंडे। आप इंटरेस्टेड हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच होगी, अगर आपको इंटरेस्ट है इस लेक्चर में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यूट्यूब पे, मैं आपको उस सब्जेक्ट का मंडे से एक एक बैच स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें डेली बेसिस पे आपके एक एक चैप्टर विद लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे लिखना आंसर राइटिंग सब करके दूंगा। आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, थैंक यू सो मच, मीट द नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और यार ना आपका अक्षय भाई कुछ भी हो जाए।